हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी झटपट से बन के तैयार हो जाने वाली आलू की सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, जिसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में या सुबह के ब्रेकफास्ट में आप इसे बना के तैयार कर सकती हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 आलूओं को लिया है और इसे इस तरह से कट करेंगे बड़े बड़े टुकड़ों में। इसके बाद मैंने पैन को गर्म करके 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डाला है, उसमें 1/4 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच सरसों डालकर तड़का लगाएंगे और साथ में ही 2 लाल मिर्ची को भी यहाँ पे तोड़ के यहाँ डाल दो। यहाँ पे जीरा सरसों लाल मिर्च का कलर हल्का सुनहरा हो जाए तो हम यहाँ पे कटे हुए सारे आलू को डाल देंगे और इसे चारों तरफ से अच्छे से चला लेंगे। और इसे अच्छे से चलाने के बाद हम यहाँ पे 1/4 चम्मच हल्दी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालकर एक बार फिर से हम सारी चीजों को इस तरह से मिला लेंगे और इसे लीड लगाकर 2 से 3 मिनट एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करना है हमें। तो यहाँ पे अभी जो आलू है ना, अभी अच्छे से कुक नहीं हुए हैं, तो फिर से हम यहाँ पे 1 से 2 मिनट और इसे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो आलू है अच्छे से कुक हो गए हैं, तो हम यहाँ पे ही 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच गर्म मसाला पाउडर डालकर चारों तरफ से अच्छे से मिला लेंगे और इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे ऐसे ही कुक होने देंगे ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे जो हमारी आलू की सब्जी है एकदम से बनकर तैयार हो गई है, तो मैं इसे चेक कर ले रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आलू जो है एकदम अच्छे से कुक हो गई है। तो अब इसे सर्व करने की प्रोसेस पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, झटपट से बनने वाली आलू की सब्जी को आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।